हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा की हम बात करने वाले हैं। पटवार भर्ती की जो भर्ती निकली हुई है राजस्थान में, उससे संबंधित बड़ी खबर आई है, धमाकेदार खबर है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आप रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं अपने मोबाइल पर, आप नॉलेज टीवी देशिता और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको अपडेट शेयर करता रहता है, क्योंकि हर चीज़ की वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं बन पाती है, तो टेलीग्राम पर वो चीज़ें शेयर कर दी जाती है। जितने भी साथी हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा संबंधित, या परीक्षा से संबंधित क्या बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर। हाँ जी, लाखों युवाओं ने इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर रखा है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। पटवारी भर्ती परीक्षा अब 5378 पदों के लिए होगी प्रतियोगिता। दोस्तों, एक बात तो ये है कि पहले 4400 पदों पर यह भर्ती होनी थी, बाद में अब ये भर्ती 5378 पदों पर की जाएगी। 951 पदों में क्या है, बढ़ोतरी कर दी गई है। 951 जो पोस्ट है वो बढ़ा दी गई है। अब इसका दोस्तों 23 और 24 अक्टूबर को पेपर होगा। क्या होगा? 23 और 24 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे पूरी अपडेट आप पढ़ लीजिए क्या लिखा गया है। प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने पटवारी भर्ती के लिए पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। दुर्गापुर स्थित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती परीक्षा में 951 पदों में इजाफा किया है। अब 23 और 24 अक्टूबर को पटवार के 5378 पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षा होगी। इसको लेकर चयन बोर्ड ने संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें तीन घंटे की दो दो पारियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों 23 तारीख को भी दो शिफ्ट है और 24 तारीख को भी दो शिफ्ट है, ठीक है। और अब 5378 पदों पर भर्ती परीक्षा की जाएगी। और यहाँ पे बताया गया है कि 8200 बच्चों ने दो बार फार्म भरा है या तीन बार फार्म भरा है, तो उनका जो लास्ट वाला फार्म है वो मान्य होगा और उसी का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, वो भी आप थोड़ा देखिएगा। ऐसे होगा पेपर। परीक्षा में प्रश्न पत्र को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। इस दौरान कुल 150 मल्टीपल ऑप्शन टाइप प्रश्न यहाँ पे आपसे रहे पूछे जाएंगे, जिसके लिए उम्मीदवार को 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो जो भ्रामक जानकारी, जो फेक न्यूज़ है सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है, उससे भी आप क्या है थोड़ा बच के रहिएगा। और इसी के साथ दोस्तों एक परेशानी और भी आपको यहाँ पे आने वाली है। देखिए, परीक्षार्थी परेशान, एक ही दिन में दो परीक्षाएं, 23 व 24 अक्टूबर को पटवारी भर्ती और 22 से 25 अक्टूबर तक विद्युत विभाग की जूनियर असिस्टेंट व कॉमर्शियल असिस्टेंट की परीक्षा प्रस्तावित है। तो बच्चे इससे भी परेशान हैं कि दोनों बच्चे ये परीक्षा कैसे दे पाएंगे। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं हर प्रकार के लेटेस्ट अपडेट टेलीग्राम पे पढ़ने के लिए। नॉलेज टीवी देशिता और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि यहाँ पर आपको भी वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी सही समय पर मिल सके। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।